ये रूप टीम सोल का मैंने आज से पहले इस इवेंट के अंदर नहीं देखा। BGMIS में हम लोगों ने देखा था टीम सोल अपने किल्स के और एग्रेशन के बेसिस के ऊपर लड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब वही रूप कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत खुशी हो रही है देखते हुए। लेकिन एक प्लेयर को गिरा चुके हैं, TJB के स्क्वाड मौजूद था और TJB बिल्कुल टीम 52 के ऊपर ही मौजूद है, टीम सोल से एक दो पायदान ऊपर ये मौजूद है और दोनों स्क्वाड आज के दिन के लिए फर्स्ट पेज के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हेक्टर को जाना है, हेक्टर को अपने प्लेयर को रिवाइव भी करना है, UMP 45 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 बुलेट्स इनके पास मौजूद रहने वाली है, लेकिन टीजेबी के प्लेयर्स जिस एंगल्स पर मौजूद हैं वहां से उनको टेक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं टीजेबी के प्लेयर, FPP मोड को शिफ्ट करते हैं, टीम सोल के प्लेयर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, प्री फायर का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल और प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बैक एंड से टीजेबी के एक और प्लेयर आते हैं, दो प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रह जाते हैं। अक्षत को अब आना है आगे, लेकिन अक्षत को पता है कि अगर मैं यहां से निकला तो टीजेबी के लिन उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम सोल के अक्षत अब आखिरी प्लेयर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कर कोई जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर रिवाइव दे ओमेगा को। लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। गॉब्लिन भी बैक एंड के ऊपर मौजूद रहते हैं, गॉब्लिन एक नॉक निकालने में कामयाब, दूसरा नॉक भी निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्रॉस एयर लड़खड़ाते हैं, अभी तक प्लेयर सर्वाइव करे, बैक एंड से प्रेशर आता हुआ काफी हद तक प्रेशर का सामना करते हुए एक और प्लेयर को गिराते हैं, लेकिन बैक एंड से टीजेबी के मजीद प्लेयर इस कहानी पर एक फुल स्टॉप लगाते हैं और टीम सोल को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। गॉब्लिन का वो स्प्रे लड़खड़ाना